गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम करने जा रहे हैं इंडिया बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइग्रेशन यानी प्रवास का पहला भाग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रवास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रवास के क्या क्या कारण हैं, तथा अंत में हम देखेंगे कि प्रवास के क्या परिणाम निकलते हैं। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रवास किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रवास उसे कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, चाहे वो परमानेंट जाता है या वो टेम्पररी जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर के आसपास सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा, प्लस टू क्लासेस नहीं होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्लस टू करने के लिए ज्योग्राफी जिन्होंने लिया हुआ है दूसरे स्कूल की ओर रुख करते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास रहे होंगे, तो उन बच्चों को भी हम प्रवास की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो उसमें प्रवास का कारण होता है पढ़ाई, यानी एजुकेशन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। अगर एक और अन्य उदाहरण देखते हैं, अगर मैं अपना उदाहरण लूँ तो मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं इस समय रोडू में कार्यरत हूँ, तो मेरा भी प्रवास कहेंगे, मैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गया हूँ। तो मेरे प्रवास का क्या कारण होगा? मेरे प्रवास का कारण होगा जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट। तो इसे हम प्रवास कहते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति परमानेंट या टेम्प्रेरी जाता है। तो बच्चों, जो हमारी जनगणना है उसमें जनगणना में जो प्रवास है उसके दो आधार लिए गए हैं। पहला आधार है लाइफ टाइम माइग्रेंट और दूसरा आधार है माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। तो पहला वाला पॉइंट है लाइफ टाइम माइग्रेशन। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो जिसका जहां बर्थ हुआ होता है वह उस बर्थ प्लेस की जगह किसी अन्य जगह, जब गणना की जाती है अन्य जगह उसकी गणना हुई है, उसे लाइफ टाइम माइग्रेंट कहते हैं। यानी कि परमानेंट वो अपने प्लेस ऑफ बर्थ से हटकर किसी अन्य स्थान पर रहता है। भारत में 30% कुल ऐसी आबादी है जो लाइफ टाइम माइग्रेंट है। दूसरा पॉइंट है माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, मतलब कि वह व्यक्ति पिछले जनगणना के समय कहीं और रहता था, इस जनगणना के समय कहीं और रहता है। मतलब दोनों समय में अलग अलग समय में उसकी जनगणना हुई है, मतलब वो अपनी जगह बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। इस प्रकार के जो भारत में जनसंख्या है 31% है, मतलब 31% पॉपुलेशन जो है वह अपने स्थान बदलती है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन कितनी है, कितने तरह की होती है, जो मुख्य धाराएं हैं माइग्रेशन की, प्रवास की। तो वो चार मुख्य धाराएं हैं, ये अपने याद रखना है। चारों अलग अलग धाराएं हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है वो प्रवास करते हैं, जाते हैं। वो कहाँ कहाँ जाते हैं? सबसे पहले है रूरल टू रूरल, यानी कि गाँव से गाँव की ओर। दूसरा है रूरल टू अर्बन, गाँव से शहरों की ओर। तीसरा है अर्बन टू अर्बन, यानी शहर से शहर की ओर। और चौथी स्ट्रीम है अर्बन टू रूरल, मतलब लोग शहरों से गांव की ओर भी प्रवास करते हैं, जाते हैं। इन्हें हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली धारा है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, मतलब गांव से शहरों की ओर प्रवास करना। तो वो होता है किस लिए? पहले पॉइंट में लिखा है रूरल एरिया कैन नॉट सपोर्ट द लार्ज एंड रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब कि रूरल एरिया में गांव में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो वो उसको कोप अप करने के काबिल नहीं होता। इसलिए क्या होता है, उसके कारण जो है कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जैसे फूड सप्लाई, डिक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं रहता है, जो लैंड है, जो भूमि है वो भी छोटी होती जाती है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है जो इंसान है, व्यक्ति है, वो गांव से शहरों की ओर पलायन करता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में बच्चों सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होती है वो 20 से 30 साल के उम्र के लोगों की होती है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन की जो है वो मूवमेंट होती है। जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे लाइक इंडिया और ब्राज़ील,
यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो देखी जाती है। आइए इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चों रूरल एरिया में इसका इम्पैक्ट जो राइट साइड आपको दिख रहा है इसका है, डीपॉपुलेशन हो जाती है, वुमेन जो है वो लास्ट में रह जाती हैं गांव में, फार्म लैंड में उन्हीं काम करना पड़ता है, सिंगल पेरेंट फैमिली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेल मेंबर सारे जो है वो शहरों की ओर चले जाते हैं। और अर्बन एरिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, छोटी छोटी बस्तियाँ बस जाती हैं, ओवर क्राउडिंग क्राउडिंग हो जाती है, हाइजेनिक अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन आ जाती है, और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है वो रिसोर्सेज होते हैं वो कम पड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों जो दूसरे प्रकार की स्ट्रीम है वो है अर्बन टू रूरल, मतलब उल्टा भी होता है, लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया की ओर आते हैं, शहरों से गांव की ओर भी प्रवास करते हैं। उसके क्या कारण है, जो राइट साइड वाला आपका बॉक्स है उसमें देखिए, अकर वन पीपल रेलोकेट टू ऑप्टेन जॉब, कुछ लोग जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद वो जो है गांव की ओर प्रवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शहरों में जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फ्री एयर के लिए जो हेल्प जो हमारे इन्वायरमेंट फ्री एयर है उसके लिए गांव की ओर आते हैं। और क्या होता है कि शहरों में वायलेंस कंजेशन ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो क्योंकि वो एज्ड ग्रुप होता है, वो 60 प्लस वाला एज ग्रुप होता है, तो वो रिलैक्स चाहता है, तो वो गांव की ओर प्रवास करता है। तो इसे हम कहते हैं अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। जो अन्य प्रकार की जो स्ट्रीम है तीसरे प्रकार के वो है रूरल टू रूरल, मतलब गांव से गांव की ओर भी लोग पलायन करते हैं, और इस पलायन में जो है मुख्यतः जो है वुमेन्स का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। वुमेन क्यों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर यानी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते हैं, ड्यू टू मैरिज, विवाह के कारण जो है वुमेन जो है प्रवास करती है एक गांव से दूसरे गांव की ओर। एक अन्य फैक्टर है इसमें वह यह कि काम की तलाश में, एक गांव में अगर काम खत्म हो जाता है तो व्यक्ति जो है दूसरे गांव में जाता है, या अन्य रीज़न है एग्रीकल्चर लैंड का, अगर एक गांव में जो है अगर एग्रीकल्चर लैंड अनप्रोडक्टिव है तो उसे बेचकर वो दूसरे गांव में उसी उतने ही पैसे की और अधिक जमीन ले लेता है जहां प्रोडक्टिव लैंड होता है, इसलिए गांव से गांव की ओर प्रवास भी होता है। तो जो बच्चों जो स्ट्रीम्स है उसके आधार पर ये एक एक्टिविटी है जो आपने अपनी कॉपी में करनी है। ये जो बार ग्राफ है ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। दोनों बार ग्राफ को देखिए, पहले बार ग्राफ में इंट्रास्टेट माइग्रेशन है, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेशन होती है चारों स्ट्रीम में, और जो दूसरी है वो इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है लोग प्रवास करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, इसके बेस पे आपने ये दो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द नंबर ऑफ फीमेल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया इन बोथ द डायग्राम हायर, दोनों ही डायग्राम में वुमेन का शेयर क्यों ज्यादा है रूरल से रूरल एरिया में जाने पर। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द मेल माइग्रेशन हायर फ्रॉम रूरल टू अर्बन, और जो मेल पॉपुलेशन है वो क्यों हाई है गांव से शहर की ओर प्रवास करने में। तो ये दोनों के आंसर आपने अपनी कॉपी में इस एक्टिविटी में लिखने हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं कि माइग्रेशन कितने प्रकार की होती है। तो माइग्रेशन दो प्रकार की होती है मुख्यतः, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का अर्थ होता है कि जब कोई भी व्यक्ति एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है उसे हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं, देश के अंदर ही रहता है वो। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो बिहार और यूपी के लोग जब काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा में आते हैं तो हम उन्हें इंटरनल माइग्रेंट्स कहेंगे। दूसरे प्रकार का है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन वो होती है जिसमें व्यक्ति एक देश को से दूसरे देश में जाता है, उसे हम अपने देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देश में जाता है, उसे हम इंटरनेशनल माइग्रेंट कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि इस समय हिमाचल में
जो हमारे ऊपरी क्षेत्र हैं यहाँ पे सेब का सीज़न है, तो यहाँ पर जो नेपालीज हैं वो ज़्यादातर लेबर का काम करते हैं, तो वो नेपाल से भारत में आएंगे, उन्हें हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कहेंगे। तो जो बच्चों इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है वो अन्य भी तीन प्रकार का होता है, जैसे लीगल इमिग्रेंट्स। लीगल इमिग्रेंट्स का मतलब होता है कि जो कोई भी देश है जिसमें जा रहे हैं उसकी परमिशन से हम उस देश में जाते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स होता है कि उस देश की परमिशन नहीं होती फिर भी लोग चले जाते हैं अनअथॉरिटी से। तीसरा होता है रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो देश की एक देश की सीमा को क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं। आइए बच्चों डिटेल में देखते हैं इंटरनल माइग्रेशन को। तो एक कंट्री के अंदर जब पीपल की मूवमेंट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं, और यह टेम्पररी या परमानेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है यह मुख्यतः रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर होती है, यानी कि गांव से शहरों की ओर होती है। और चौथा पॉइंट है यह अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को बढ़ावा देती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन में हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष एक देश से दूसरे देश में जाता है तो हमें उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। यह भी परमानेंट या टेम्परेरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, और इसमें जो है जैसे उदाहरण के रूप में हम कैरेबियन सी के आसपास वाला एरिया देखते हैं, वहाँ पर जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेशन होती है। और यह मुख्यतः एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए होती है, जैसे कि इलाज करवाने के लिए भी लोग एक स्थान एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हैं, तो उसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की कैटेगरी में डालेंगे। इसमें एक वर्ड आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का अर्थ है कि मतलब जैसे भारतीय जो है मुख्यतः भारत का जो ब्रेन है, जो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो बड़े बड़े पोस्ट के जो हमारे व्यक्ति विशेष हैं भारत में पढ़ते हैं तथा उसके बाद अपनी सेवाएं देने के लिए वो जो है अमेरिका कनाडा इंग्लैंड आदि कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं कि भारत में जो है माइग्रेशन का क्या ट्रेंड रहा है। तो इसे तीन पॉइंट में हमने डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटिश समय में जो मुख्यतः भारत का माइग्रेशन था वो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर, जैसे कि मॉरिशियस, कैरेबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका आदि देशों में मिलियंस ऑफ इंडियंस एज ए लेबरर यहाँ से वहाँ पर इनका प्रवास किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। दूसरे पॉइंट में है 20th सेंचुरी में हमारे सेमी स्किल्ड जो वर्कर हैं इंडियंस जो हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में गए, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मी, अफ्रीका आदि कंट्रीज़ में हमारे शिल्पकार, हमारे व्यापारी और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगर जो हैं इन देशों में गए। और अब रिसेंट टाइम में क्या ट्रेंड है। रिसेंट टाइम में जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन, माइग्रेटेड सच एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन, दे माइग्रेटेड फ्रॉम आवर कंट्री टू USA, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। और दीज प्रोफेशनल आर हाईली एजुकेटेड। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे भारतीय हैं और बहुत ज़्यादा पेड भी, यानी कि सैलरी भी ये अन्य देशों में कमाते हैं। धन्यवाद।